सजनों, एक समय की बात है, गोरखनाथ भर्तरी दोनों उपवन में ढूंढा तप रहे थे। उधर इंद्र की परी मेनका नाच गान कर रही थी, तो भर्तरी मेनका के नाच को देख करके आसक्त हो जाते हैं। गोरखनाथ करने लगे, भर्तरी भोग भोगने की इच्छा है, तो गुरु से कोई बात छुपाई नहीं। भर्तरी ने कह दिया, हाँ महाराज जरूर है। तो गोरखनाथ जी कहने लगे, जा सकते हो अपनी अभिलाषा पूरी करने के लिए। तो 12 साल के लिए गोरखनाथ जी भर्तरी को भोग भोगने के लिए भेज देते हैं। तो सजनों, कैसे भर्तरी उज्जैन शहर के राजा बनते हैं और क्या होता है। अरे गंद्रसेन उज्जैन शहर के राजा थे बलशाली, अमन चमन सुख चैन प्रजा के पूरे थे प्रतिपाली। अमन चमन सुख चैन प्रजा के पूरे थे प्रतिपाली। गंद्रसेन उज्जैन शहर के राजा थे बलशाली, अमन चमन सुख चैन प्रजा के पूरे थे प्रतिपाली। अमन चमन सुख चैन प्रजा के पूरे थे प्रतिपाली। गंद्रसेन उज्जैन शहर के राजा थे बलशाली, अमन चमन सुख चैन प्रजा के पूरे थे प्रतिपाली। उज्जैन शहर के राजा थे बलशाली, अमन चमन सुख चैन प्रजा के पूरे थे प्रतिपाली। मृत्युलोक में आए थे वो बढ़कर गंधर्व ज्ञानी, गंद्रसेन जयंत बने ये बातें बहुत पुरानी। हाँ गंद्रसेन जयंत बने ये बातें बहुत पुरानी। इतिहासों में लिख राखी से सत्य कथा सुहानी। बानम दे रानी थी सजनों, लिख राखी से सत की कथा सुहानी। पानम दे रानी थी सजनों सुंदर मुखड़े वाली, अमन चमन सुख चैन प्रजा के पूरे थे प्रतिपाली। अमन चमन सुख चैन प्रजा के पूरे थे प्रतिपाली। गंद्रसेन उज्जैन शहर के राजा थे बलशाली, अमन चमन सुख चैन प्रजा के पूरे थे प्रतिपाली। अमन चमन सुख चैन प्रजा के थे पूरे प्रतिपाली। बड़े बेटे हुए भरतरी छोटे विक्रम भाई, मैनावती सतवंती भी उसी कूप से जाई। मैनावती सतवंती भी उसी कूप से जाई। बेटी का कोई धन में धन ना हो जा कदे पराई, पद्म सेन धारा नगरी में उसकी करी सगाई। पद्म सेन धारा नगरी में उसकी करी सगाई। लेने आया था सजवाई गीत बथेरा गाली, लेने आया जवाई साथने गीत बथेरा गाली। अमन चमन सुख चैन प्रजा के पूरे थे प्रतिपाली। अमन चमन सुख चैन प्रजा के पूरे थे प्रतिपाली। अभी रे गंद्रसेन उज्जैन शहर के राजा थे बलशाली, अमन चमन सुख चैन प्रजा के थे पूरे प्रतिपाली। पूरे थे प्रतिपाली रे, पूरे थे प्रतिपाली। अमन चमन सुख चैन प्रजा के
घटते स्वासा, परसों महीने घटते दिन दिन, पल पल घटते स्वासा। राधा रानी बूढ़े होकर हुआ स्वर्ग का पासा, मोह माया का जाल जगत में झूठी लागे आशा, मोह माया का जाल जगत में। बुध तिजोत उजासा जब से मानस जाता खाली, अमन चमन सुख चैन प्रजा के पूरे थे प्रतिपाली, अमन चमन सुख चैन प्रजा के पूरे थे प्रतिपाली। अपने गंध से नवजीन शहर के राजा थे बलशाली, अमन चमन सुख चैन प्रजा के पूरे थे प्रतिपाली, अमन चमन सुख चैन प्रजा के पूरे थे प्रतिपाली। राज तिलक की तैयारी हो रही, बजरे गाजे बाजे, सिंहासन पर आप भरतरी राजा बने विराजे, सिंहासन पर आप भरतरी राजा बने विराजे। नीचे शीश झुका मन लागे थे राजा महाराजे, सतगुरु सिंहु नाथ किया दीप्ति सूरत साजे, सतगुरु सिंहु नाथ की इंद्रासन बिलाजे था रघुवीर कथानु चाली, अमन चमन सुख चैन प्रजा के पूरे थे प्रतिपाली, अमन चमन सुख चैन प्रजा के पूरे थे प्रतिपाली। गंध से नवजीन शहर के राजा थे बलशाली, अमन चमन सुख चैन प्रजा के पूरे थे प्रतिपाली, पूरे थे प्रतिपाली रे ओ पूरे थे प्रतिपाली, अमन चमन सुख चैन प्रजा के पूरे थे प्रतिपाली। सजनों, इस तरह से इंद्र के बेटे गंधर्व सेन को श्राप बस मृतलोक में जयंत बनकर आना पड़ा था, और पानमदे रानी के साथ में शादी हुई जिसके दो पुत्रों ने जन्म लिया, बड़े पुत्र भरतरी और छोटे विक्रम हुए, एक बहन मैनावती जो उसी कुक से जन्मी थी जो धारा नगरी में राजा पद्म सेन को ब्याही थी। सजनों, समय बीता जा रहा था, भरतरी उज्जैन शहर के सिंहासन पर राजा बने विराज रहे थे, प्रजा में कोई किसी प्रकार की कमी नहीं थी, उधर सजनों पिंगल देश में इंद्र की प्री मेनका पिंगला के रूप में पैदा हो जाती है, और भरतरी पिंगला के रूप को देखकर उस पर आसक्त तो हो जाते हैं, राजकाज सब छोड़ करके महाराजा भरतरी पिंगला के साथ शादी करते हैं, और पिंगला के प्रेम जाल में महाराजा भरतरी कैसे फंस जाते हैं। अरे आगे आती तेरी पिंगला उठी महल में आ गया, तेरे बिन मेरा दरबारू में जी को ना ला गया, तेरे बिन मेरा दरबारू में जी को ना ला गया। अपने आगे आज तेरी पिंगला उठ रे महल में आ गया, तेरे बिन मेरा दरबारू में जी को ना ला गया, हाँ तेरे बिन मेरा दरबारों में जी को ना ला गया, जी को ना ला गया रे मेरा जी को ना ला गया, तेरे बिन मेरा दरबारों में जी को ना ला गया, तेरे बिन मेरा दरबारों में जी को ना ला गया। दरबारों में जी को ना लगा।
काली काली घटा गिरी तेरे बाल जाल में, काली काली घटा गिरी तेरे बाल जाल में, शिव की सी लाली दमके तेरे गाल में, शिव की सी लाली दमके तेरे गाल में, छाया सी पा गया तेरे बिन मेरा दरबार में ही तो न्या ला गया, तेरे बिन मेरा दरबार में ही तो न्या ला गया, कसर नहीं कोई मुर्गाई सी चाल प्यारी, मृग नहीं पिक बहनी लागे बड़बेरी सी हाल प्यारी, मृग नहीं पिक बहनी लागे करते गणे कमाल प्यारी, रूप तेरे मन भाग्या तेरे बिन मेरा दरबार के दिल प्यारी हर बार धड़कता मेरा, आंख तीर कमान जैसी गोली सीधा गया तेरे बिन मेरा दरबार का चाया, रूप गजब का पिंगला तेरा हो गया मन का चाया, बहादुर सिंह के चरणों में सिर नाथ सिंह नाया, बहादुर सिंह के चरणों में सिर बड़ी जोड़ी ग्राम बताया, बड़ी जोड़ी ड्रामा बताया कविता जाल बिछा गया तेरे बिन मेरा दरबार में जी को न्या ला गया, तेरे बिन मेरा दरबार में जी को न्या ला गया, आ गया
सजनों, इस तरह भर्तरी रानी पिंगला के प्रेम जाल में फंस जाते हैं। गुरु गोरखनाथ के दिए हुए 12 साल को भर्तरी कतई ही भूल जाते हैं। उधर जंगल में दादा गुरु मच्छिंद्रनाथ आ जाते हैं तो खाली धुना दे करके दादा गुरु मच्छिंद्रनाथ कहने लगे, भर्तरी ये धुना और आसन खाली क्यों पड़ा है? गोरखनाथ कहने लगे, ये धुना और आसन भर्तरी नाथ का है। भर्तरी के कुछ भोग भोगने की इच्छाएं थी, इसलिए महाराज मैंने उसको 12 साल के लिए भेज दिया और भर्तरी को गए 11.5 साल हो चुके, थोड़े दिन में आ जाएगा। दादा मच्छिंद्रनाथ कहने लगे, गोरख 11.5 साल हो गए, 12 साल पूरे होने पर भर्तरी नहीं आएगा, इसलिए जाओ पहले भर्तरी को लेकर आओ। तो गोरखनाथ जी भर्तरी को लाने के लिए चल देते हैं। सजनों, गोरखनाथ जी ने किस प्रकार अपनी माया रचना शुरू कर दी? कुछ दूरी पर जाकर के गोरखनाथ ने एक तोती को मारी, उसकी आत्मा एक मोहनी नाम की वेश्या थी उसमें प्रवेश कर दी और मोहनी की आत्मा जो रंडी की आत्मा थी पिंगला के शरीर में प्रवेश कर दी और पिंगला की आत्मा को गोरखनाथ जी अपने पास में रख लेते हैं और खुद गोरखनाथ एक साधारण इंसान बनकर के राजा के दरबार में चले जाते हैं। कहने लगे, महाराज मुझे नौकरी चाहिए। तो भर्तरी क्रूर सिंह की सुंदरता और रूप को देख करके घोड़ों की देखरेख का काम सौंप देते हैं, अपने पास नौकर रख लेते हैं। कुछ समय बाद सजनों एक पड़ोस के राजा का पहलवान आ जाता है। पहलवान को देख करके क्रूर सिंह जो घोड़ों का सहिष्ठा राजा से कहने लगा, महाराज मैं इस पहलवान से कुश्ती करना चाहता हूं। भर्तरी कहने लगे, क्रूर सिंह तू एक साधारण इंसान नौकरी करने वाला और ये एक राजा का पहलवान, तेरी और इसकी कुश्ती अनमेल है, इसलिए हम इस कुश्ती की आज्ञा नहीं दे सकते। क्रूर सिंह नहीं मानता है तो राजा भर्तरी ने सब रजवाड़ों में खबर करवा दी। आसपास के राजा महाराजे इकट्ठे हो जाते हैं, क्रूर सिंह और पहलवान की कुश्ती होती है। उधर झरोके में बैठी पिंगला पहलवान और क्रूर सिंह की कुश्ती को देख रही थी। क्रूर सिंह पहलवान को मार के गिराता है। क्रूर सिंह की वीरता और सुंदरता को देख करके पिंगला उस पर आसक्त हो जाती है और पिंगला अपने गल का नोल का हार क्रूर सिंह पर फेंकती है। क्रूर सिंह पिंगला के हार को अपने पास छुपा लेता है, किसी को भी इस बात का पता नहीं चलता है। तो सजनों क्या होता है? अरे पिंगला रानी कर बैठी श्रृंगार झरोके में, अरे क्रूर सिंह पर फेंक्या गल का हार झरोके में, पिंगला रानी कर बैठी श्रृंगार झरोके में, क्रूर सिंह पर फेंक्या गल का हार झरोके में, पिंगला रानी कर बैठी श्रृंगार झरोके में, क्रूर सिंह पे फेंक्या गल का हार झरोके में, पिंगला रानी कर बैठी श्रृंगार झरोके में, क्रूर सिंह
हर जरो के में हर जरो के मेरे फेंका हर जरो के में क्रूर सिंह पर फेंका दल का हर जरो के में हर जरो के में पिंगला रानी कर बैठी सिंगार जरो के में क्रूर सिंह पर फेंका दल का हर जरो के दोनों की हो गई सदनों आंखें चार जरो के मैं क्रूर सिंह पर फेंक्या दल का हार जरो के पिंगला रानी कर बैठी श्रृंगार जरो के मैं पिंगला रानी कर बैठी हार जरो के मैं हार जरो के मैं जी फेंक्या हार जरो के मैं क्रूर सिंह पर फेंक्या गल का हार जरो के मैं हार जरो के मैं पिंगला रानी कर बैठी श्रृंगार जरो के गल का हार जरो के में पागल जैसी होगी रानी लग्या रूप का पलका के मरू कटारी खाकर मेरे काम नहीं बलका काम नहीं बलका एक दूजे से हो गया इनको प्यार जरो के मैं क्रूर सिंह पर फेंक्या गल का हार जरो के मैं पिंगला रानी कर बैठी श्रृंगार जरो के मैं क्रूर सिंह पर फेंक्या गल का हार जरो के मैं हाँ पिंगला रानी कर बैठी श्रृंगार जरो के मैं क्रूर सिंह पर फेंक्या गल का हार जरो के मैं क्रूर सिंह पर फेंक्या गल का हार जरो के मैं मेरे महल में आ जा तो मेरे खिल जा केसर क्यारी इस चाकर बिन पिंगला तेरी सुनी दुनियादारी सुनी दुनियादारी बैठी बैठी पिंगला कर विचार धरोगे मैं क्रूर सिंह पर फेंक्या गल का हार धरोगे पिंगला रानी कर बैठी श्रृंगार जरो के मैं क्रूर सिंह पर फेंक्या गल का हार जरो के मैं हाँ पिंगला रानी कर बैठी श्रृंगार जरो के मैं क्रूर सिंह पर फेंक्या गल का हार जरो के मैं कर बैठी श्रृंगार जरो के मैं
क्या गलत है हार जरोगे में। ना ठुसगते इस करनी से ना बेड़ा पार तिरे से रानी पिंगला गोरु के चाकर से प्रेम करे से चाकर से प्रेम करे से दिल अपने का खो बैठी दिल अपने का खो बैठी संसार जरो के में पिंगला रानी कर बैठी। बैठी सिंगार झरोके में क्रूर सिंह पर मैं क्या गलता आर झरोके में। पिंगला रानी कर बैठी सिंगार झरोके में क्रूर सिंह पर मैं क्या गलता हार झरोके में हार झरोके मेरे हार झरोके में क्रूर सिंह पर फेंक्या गलता हार झरोके में हार झरोके में। हाँ पिंगला रानी कर बैठी सिंगार झरोके में क्रूर सिंह पे फेंक्या गलता हार झरोके में। तो सजनों प्रेमी यानी सजनों रानी पिंगला इस तरह से क्रूर सिंह पर मोहित हो जाती है और सबसे चतुर एक बांदी थी उसको रानी अपने पास बुलाती है और एक पत्र देकर कहती है कि इस पत्र को क्रूर सिंह को ले जाकर दे दे, इसका किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। तो सजनों इस तरह से बांदी जल्दी करके घुड़साल में चली जाती है और पत्र क्रूर सिंह को दे देती है। कहने लगी, क्रूर सिंह जी, आपको रानी पिंगला ने महलों में याद किया है। तो सजनों क्रूर सिंह पत्र को पढ़ता है, रानी पिंगला का प्रेम भरा वार्तालाप मिलता है। पत्र को पढ़ते ही क्रूर सिंह पिंगला से मिलने के लिए चल देता है। महल की पिछली खिड़की में लटकाई गई सीढ़ी से अंदर प्रवेश कर जाता है। रानी पिंगला इंतजार कर रही थी क्रूर सिंह को देख करके। रानी गले में बाहर डाल करके प्रेम दर्शाती है। तो सजनों इस प्रकार रानी पिंगला और क्रूर सिंह में प्रेम भरा वार्तालाप चल रहा था। इतनी ही देर में विक्रम महल के चौक में आ जाता है और अजनबी आवाज सुनकर के विक्रम चौक जाता है। पिंगला के कमरे का दरवाजा खटखटाता है तो विक्रम पिंगला से कहने लग गया। विक्रम मन में विचार करता है, अजनबी आवाज रानी पिंगला के महल में, पराया पुरुष कौन हो सकता है। तो सजनों देवर भाभी के क्या वार्तालाप होता है। हाँ विक्रम पिंगला जवाब सवाब तेरे विक्रम पिंगला जवाब सवाब तेरे अमर कहानी में भाभी से नू बोले देवरे करड़ी करड़ी बाणी में भाभी से नू पूछे देवरे करड़ी करड़ी बाणी में विक्रम पिंगला जवाब सवाब तेरे अमर कहानी में भाभी से नू पूछे देवर करड़ी करड़ी बाणी में भाभी से नू बोले देवर करड़ी करड़ी बाणी में। हाँ विक्रम पिंगला जवाब सवाब तेरे अमर कहानी में भाभी से नू पूछे देवर करड़ी करड़ी बाणी में हाँ भाभी से नू बोले देवर करड़ी करड़ी बोले से मर्द ओपरा
भाभी मने बता दे, खोल देख ले महल पड़ा तेरा, दिल का भरम मिटा दे। खोल देख ले महल पड़ा तेरा, दिल का भरम मिटा दे। नहीं भरम की बात भाभी खोल दिखा दे, कर ले भैम दवाई कोना पंडित वैद बुला दे। कर ले भैम दवाई कोना, साबत आंख घला दे, काजल सोए ना कानी में। भाभी से नू बोले देवर करड़ी करड़ी बाणी में, भाभी से नू पूछे देवर करड़ी करड़ी बाणी में। हाँ विक्रम पिंगला जवाब सवाब तेरी अमर कहानी में, भाभी से नू पूछे देवर करड़ी करड़ी बाणी में। हाँ भाभी से नू पूछे देवर करड़ी करड़ी बाणी में, करड़ी करड़ी बाणी में, करड़ी करड़ी बाणी में। भाभी से नू पूछे देवर करड़ी करड़ी बाणी में, भाभी से नू पूछे देवर करड़ी करड़ी बाणी में। मारे वंश में होकर रानी, मारे वंश में होकर रानी करती डूबा डेरी, खाम खाम बदनाम करे क्यों अकल बिगड़गी तेरी। खाम खाम बदनाम करे क्यों, जुल्म कर दिया भाभी तूने, जुल्म कर दिया भाभी तूने, नाग जगा दिया झेरी। पिंगला रानी बोली विक्रम किसे जन्म का बेरी, पिंगला रानी बोली विक्रम किसे जन्म का बेरी। विक्रम बोला जुल्म किया तने आग लगा दी पानी में, भाभी से नू बोले देवर करड़ी करड़ी बाणी में। भाभी से नू बोले देवर करड़ी करड़ी बाणी में। हाँ विक्रम पिंगला जवाब सवाब तेरी रे अमर कहानी में, भाभी से नू पूछे देवर करड़ी करड़ी बाणी में। हाँ भाभी से नू पूछे देवर करड़ी करड़ी बाणी में। पिछवाड़े की खिड़की से क्यों सीढ़ी लटके से, कर्ण सफेदी दर राखी तेरा जी क्यों भटके से। धर राखी तेरा जी क्यों भटके से, गुरु बहादुर सिंह का हाथ शीश पर फिर क्यों अटके से। पिछवाड़े नाथू सिंह के पिछड़े हो गया बहुत समय मेरा जी में खटके से। नाथ सिंह के सुन रानी तेरी सब बदमाशी जानी में, भाभी से नू पूछे देवर करड़ी करड़ी बाणी में। भाभी से नू पूछे देवर करड़ी करड़ी बाणी में। हाँ विक्रम पिंगला जवाब सवाब तेरी अमर कहानी में, भाभी से नू पूछे देवर करड़ी करड़ी बाणी में। भाभी से नू पूछे देवर करड़ी करड़ी बाणी। सजनों एक दिन राजा भर्तृहरि शिकार खेलने के लिए जंगल में गया था। भर्तृहरि को एक महात्मा जी मिल गए। उन्होंने भर्तृहरि को एक अमर फल दिया था कि राजा ये मैं आपको अमर फल देता हूँ, इस अमर फल को आप खा करके अमर हो जाओ। सजनों राजा भर्तृहरि को पिंगला से प्यारी संसार में कोई चीज नहीं थी। राजा अमर फल को नहीं खाता, ले करके अपनी प्यारी पिंगला को देता है। पिंगला घोड़ों का सही से जो क्रूर सिंह था उससे प्रेम करती थी। रानी पिंगला भी अमर फल को नहीं खाती है, अपने प्रेमी क्रूर सिंह को फल को दे देती है कि क्रूर सिंह तू इस अमर फल को खाओ और खा करके अमर हो जाओ। सजनों क्रूर सिंह अमर फल को ले लेता है, लेकिन क्रूर सिंह भी फल को नहीं खाया।
क्रूर सिंह मोहनी नाम की जो वैसाथी रंडी थी उससे प्रेम करता था। अमर फल ले जाकर के क्रूर सिंह अपनी प्रेमी प्रेमिका जो मोहनी रंडी थी उसको ले जाकर देता है कि मोहनी तुम इस अमर फल को खाओ और अमर फल को खा करके अमर हो जाओ। सजनों, इस प्रकार सजनों रानी पिंगला संभल करके विक्रम से सवाल जवाब करती है और महलू के अंदर त्रिया जाल बिछा देती है। तो बताया ऐसी विक्रम ने देख रानी को मर गयो पानी। हाजी मर गयो पानी। अरे त्रिया जाल बिछा लागी रंग महल में रानी रे। त्रिया जाल बिछा लागी रंग महल में रानी। त्रिया जाल बिछा लागी रंग रे महल में रानी रे। त्रिया जाल बिछा तेरो महल में के काम। हाजी महल में के काम। तू तो चावे मरना मने मत करे बदनाम। तिरिया जाल बिछा लागी रंग महल में रानी रे। तिरिया जाल बिछा लागी रंग महल में रानी। हाँ तिरिया जाल बिछा लागी रे। सजनों, इस तरह का रूप बना करके पिंगला हाथ में कोलडा लेकर के विक्रम को मारना शुरू करती है। और कहने लगी अरे मेरे महल में आने का तेरा काम क्या बता। मेरे महल में आने का तेरा काम क्या बता। मेरे महल में आने का बता काम के तेरा। आने का तेरा काम क्या बता। मेरे महल में आने का तेरा काम क्या बता। मेरे महल में आने का तेरा काम के बता। काम क्या बता रे तेरा काम क्या बता। काम के बता रे तेरा काम के बता। काम क्या बता रे विक्रम काम क्या बता। मेरे महल समान लघु सूतरी। मात समान लघु सूतरी चावे से लुगाई। मात समान लघु सूतरी रे
समझ ना आई ओ खोटी नी तबिचारी रे विक्रम जरा समझ ना आई। राजा ने आवन दे विक्रम खाएगा खता मेरे महल में आने का तेरा काम क्या बता। मैं आवन का तेरा काम के बता मेरे महल में आवन का तेरा काम के बता। काम क्या बता रे विक्रम काम क्या बता। जुल्म कर दिया नालायक विक्रम आया चोरी चोरी। जुल्म कर दिया नालायक विक्रम आया चोरी चोरी। जुल्म कर दिया नालायक तू आया चोरी चोरी। दुगनी उम्र खपाई से मैं नहीं उम्र की छोरी। मत टेका तेरे मेरे बीच में नता मेरे महल में आने का तेरा काम क्या बता। हाँ मेरे महल में आने का तेरा काम के बता। मेरे महल में आने का तेरा काम के बता। इतनी बात सुनकर के विक्रम रोता हुआ महल से रवाना हो जाता है और राजा भर्तृ से जाकर शिकायत करता है कि इधर सजनो रानी नगर सेठ दीन दयाल को बुलाकर कहती है थोड़ा मेरा काम करना पड़ेगा। जब राजा भर्तृ महल में आकर पूछे तो तुमको ये गवाह देनी होगी कि तुम्हारा भाई विक्रम वास्तव में बदमाश है क्योंकि मेरे बेटे की बहू से भी रोज छेड़छाड़ करता है। लेकिन महाराज हम आपके डर से आपको हम कोई शिकायत नहीं करते हैं। दौलत के लोभी लोभ में आकर के सेठ दीनदयाल झूठी गवाह देने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद रानी पिंगला कोप भवन में खटवा की पार्टी लेकर लेट जाती है। सजनों किस तरह का हाल रानी बनाती है और क्या होता है। अरे कोप भवन में सोगी रानी ले खटवा की पार्टी बिखरे बाल हाल बेढंगे बिखरी चोटी आटी। बिखरे बाल बेढंगे बिखरी चोटी आटी। अब रे कोप भवन में सोगी पिंगला रे ले खटवा की पार्टी बिखरे हाल बाल बेढंगे बिखरे चोटी आटी। बिखरे हाल बाल बेढंगे बिखरी चोटी आटी। बिखरी चोटी आटी रे या बिखरी चोटी आटी। बिखरे बाल हाल बेढंगे बिखरी चोटी आटी। बिखरे हाल बाल बेढंगे बिखरी चोटी आटी। अब रे को पवन में सोगी पिंगला रे ले खटवा की पार्टी हाल बाल बेढंगे बिखरी चोटी आटी। बिखरे हाल बाल बेढंगे बिखरी चोटी आटी। के जंगल की छिड़ी शेरणी गर्ज छो मैं आकर बणी काल का लट बिखराए मानस भकले वन खातर। बणी काल का लट बिखराए मानस भकले वन खातर। सुना हो जा मैं लकागले डोले से सुना पाकर रानी दी दासी की जइया सोगी कमरे में जाकर। रानी दी दासी की जइया सोगी कमरे में जाकर। विश
खातर विसजू पूरे कुणबे खातर विसजू कुणबे की हो जाती माटी बिखरे बाल हाल बेडंगे बिखरी छोटी आटी बिखरे बाल हाल बेडंगे बिखरी छोटी आटी अपने को पवन में सोगी पिंगला रे ले खटवा की पाटी बिखरे हाल बाल बेडंगे बिखरे छोटी आटी विक्रम मजा चखाऊंगी राजा आगे विक्रम तेरा झूठा दोष लगाऊंगी राजा आगे विक्रम तेरा झूठा दोष लगाऊंगी झूठी साची तोड़ तोड़ के पति न कथा सुनाऊंगी मेरे दिल में साल कांटा जिसने काट बगाऊंगी हाँ मेरे दिल में साले कांटा जिसने काट बगाऊंगी खुशी मनाऊंगी तड़के में करूं मलीदा बाटी बिखरे बाल हाल बेडंगे बिखरी छोटी आटी बिखरे बाल हाल बेडंगे बिखरी छोटी आटी आपको पवन में सोगी पिंगला रे ले खटवा की पाटी बिखरे हाल बाल बेढंगे बिखरी छोटी आटी बिखरे हाल बाल बेढंगे बिखरी छोटी आटी बिखरी छोटी आटी रे बिखरी छोटी आटी बिखरे बाल हाल बेढंगे बिखरी छोटी आटी बिखरे हाल बाल बेढंगे बिखरी छोटी तो सजनों इस प्रकार रानी पिंगला कोप भवन में लेटी हुई विचार करती है और उधर से महाराजा भर्तृहरि महल में आते हैं और रानी के हाल देख करके कहने लगे रानी पिंगला तेरी यह हालत क्यों बता जल्दी बता आज मेरे हुए होते हुए मैं तेरी यह हालत नहीं देख सकता पिंगला रानी मन बता के बात हो गई अरे भला के मामा वस की सी रात हो गई महला के मामा वस की सी रात हो गई पिंगला रानी मन बता के बात हो गई महला के मामा बस की सी रात हो गई महला के मामा बस की सी रात हो गई पिंगला रानी मने बता के बात हो गई और फिर महला के मामा बस की सी रात हो गई महला के मामा बस की सी प्यारी श्रृंगार करो क्यों नीचे पड़ी चिल्लाती हो क्या दर्द है क्या सदमा है क्या मांगती क्या चाहती हो क्या दर्द है क्या सदमा है क्या मांगती क्या चाहती हो कौन चीज तन मिली नहीं कौन चीज मिली नहीं जिसकी चाहत हो गई महला के मामा बस की सी रात हो गई महला के मामा बस की सी रात हो गई हाँ पिंगला रानी मने बता के बात हो गई महला के मामा बस की सी रात हो गई महला के मामा बस की सी रात हो गई पिंगला रानी मन बता के बात हो गई महल
रात हो गई। किस जालिम ने हरकत की नी, किसकी आई बुरी घड़ी। कौन हाथ से मरना चावे, मौत शीश पे आन खड़ी। उज्जैन शहर की नौका तेरे हाथ हो गई। मेला के मामा बस की सी रात हो गई। मेला के मामा बस की सी रात हो गई। हाँ पिंगला रानी मने बता के बात हो गई। मेला के मामा बस की सी रात हो गई। तो सजनों राजा रानी की बात को नगर सेठ दीनदयाल की झूठी गवाही देने के द्वारा मान लेता है। विक्रम को बदमाश समझ करके जल्लादू को हुक्म दे देता है कि इसको जंगल में ले जा करके इसकी आंख निकाल करके तुरंत मेरे को ला कर दो। जल्लाद राजा का हुक्म सुन करके तुरंत विक्रम को जंगल में ले जाते हैं और जाते हुए विक्रम अपने भाई भर्तृहरि से कहने लग जाता है। अरे आज कब याद रखिए विक्रम भाई का। दुनिया में से खो देगा तन बहन लुगाई का। दुनिया में से खो देगा तन बहन लुगाई का। अबरे आज का बोला याद रखना विक्रम भाई का। दुनिया में से खो देगा तन बहन लुगाई का। आज दुनिया में से खो देगा तन बहन लुगाई का। सारी दुनिया जाने भरतरी तेरी कहानी ने। ठीक फैसला त्यार किया तेरी पिंगला रानी ने। अब रे ठीक फैसला त्यार किया तेरी रे पिंगला रानी ने। कुछ तो कह दी नगर सेठ कुछ सेठानी ने। हाथ पकड़ कर काडर भाभी मन सिखानी ने। अब रे हाथ पकड़ कर काडर भाभी मन सिखानी ने। पोरा को के बेरा होश पीड़ पर आई का। दुनिया में से खो देगा तन बहन लुगाई का। दुनिया में से खो देगा तन बहन लुगाई का। आज कब लिया याद रखना विक्रम भाई का। दुनिया में से खो देगा तन करे ही मात से। कोतवाल और पिंगला की बस एक ही बात से। अब रे कोतवाल पिंगला की अब एक ही बात से। बंदर वाली डोर भरतरी तेरे हाथ से। बिना खोट मरवा दे बिना खोट मरवा दे से या बीरा की जात से। हाँ बिना खोट मरवा दे से वीरा की जात से। कहा करे से कटे जाट का सिख नाई का। दुनिया में से खो देगा तन बहन लुगाई का। दुनिया में से खो देगा तन बहन लुगाई का। आज कब आज राखना रे विक्रम भाई का। दुनिया माँ से खो देगा तन बहन लुगाई का। आज दुनिया माँ से खो देगा तन बहन लुगाई का। सजनों जल्लाद विक्रम को मारने के लिए लेकर के चल देते हैं।
पीछे पीछे नगर सेठ भी चला जाता है। तो सेठ दीनदयाल जल्लाद को धन का लालच देकर के विक्रम को जिंदा छुड़वा लेता है। उधर जल्लाद किसी मृग को मार करके उसकी आंख निकाल करके राजा को लाकर दे देते हैं। राजा अपनी प्यारी पिंगला को देता है। पिंगला एडी के नीचे देख करके आंखों को फोड़ देती है। विचार करती है कि आज मेरा रास्ते का कांटा खत्म हो गया। सजनों, अमरफल वाला जो किस्सा था, वो क्रूर सिंह नाम का जो नौकर था, अमरफल मोहनी रंडी को देता है। मोहनी अमरफल को लेकर के विचार करती है कि तू फल को खाकर क्या करेगी, ये फल राजा भर्तरी जो नगरी का राजा उसको देना चाहिए। राजा अमर हो जाएगा, प्रजा की सेवा करता रहेगा, जनता सुख पाएगी। तो मोहनी अमर फल ले जाकर के राजा को देती है। महाराजा अमर फल लाई हूं, आप इसे खाकर अमर हो जाओ। आप राजा हैं, दयावंत हैं, कृपा निधान हैं, आपके राज में जनता सुख पाएगी। राजा अमर फल को देख करके चक्कर में पड़ जाता है कि ये अमर फल तो वही है जो महात्मा जी ने मेरे को दिया था। राजा अपनी रानी पिंगला को बुलाता है और पूछता है, प्यारी पिंगला, वो अमर फल कहाँ है? रानी कहने लगी, महाराजा मैंने उसी दिन अमर फल को खा लिया था। तो तुरंत राजा अमर फल को निकाल करके रानी के सामने रखता है कि ये अमर फल वही तो नहीं है। रानी कहने लगी, ये अमर फल तो वो नहीं, दूसरा है। तुरंत राजा घोड़ों के सहित क्रूर सिंह को बुलाता है, पूछता है कि क्रूर सिंह, ये अमर फल तुमने कहां से प्राप्त किया? क्रूर सिंह ने सच बयान कर दिया कि मैंने मेरी प्रेमिका पिंगला से प्राप्त किया और मैंने मेरी प्रेमिका मोहनी को ले जा करके दिया। तो क्रूर सिंह रानी की पिंगला का नाम बताता है और कहने लगा, महाराजा यही पिंगला जो आपके सामने खड़ी है, इसी ने मुझे अमर फल दिया था। इतना कहकर के क्रूर सिंह अपने सीने में तलवार घोंप लेता है और वहीं खत्म हो जाता है। और राजा अपने भाई विक्रम की याद में फूट फूट के रोने लग जाता है। सजनों, नगर सेठ दीनदयाल आकर कहने लगा, महाराज आपके भाई को कोई मिला दे तो क्या दोगे? राजा कहने लगे, मैं उसे मेरा आधा राज दे दूंगा। सजनों, नगर सेठ विक्रम को गुप्त तहखाने से निकाल करके भर्तरी के सामने खड़ा कर देता है। दोनों भाई मिल जाते हैं, आधा राज सेठ दीनदयाल को दे दिया, आधा राज भाई विक्रम को देकर के राजा भर्तरी परम फकीर बन जाते हैं। उधर क्रूर सिंह खत्म होते ही गोरखनाथ अपना असली रूप धार लेते हैं और भर्तरी से कहने लगे कि भर्तरी, क्या अभी भी भोग भोगने की इच्छा है? तो भर्तरी बोले, नहीं महाराज, अब तो एक ही इच्छा है, उपवन में जाकर के गुरु की सेवा करूंगा।